तो हमने सिलेक्शन सॉर्ट के लिए एग्जांपल लिया है 10, 6, 13, 7, 5, 27, माइनस 3 और 4. और ये हमारी गिवन स्ट्रिंग है. अब सिलेक्शन सॉर्ट में पासेस में हम सॉल्व करेंगे. तो 10, 6, 13, 7, 5, 27, माइनस 3 और 4, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट आएगा क्योंकि ये सिलेक्शन सॉर्ट है. तो हमसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम गिवन स्ट्रिंग से पिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. तो पहले आएगा माइनस 3 और ये रिमेनिंग स्ट्रिंग एज इट इज लिखना है 10, 6, 13, 7, 5, 27, देन 4. अब माइनस 3 तो सॉर्टेड हो गया और अब ये और रिमेनिंग सॉर्ट करना बाकी है. तो अब इस स्ट्रिंग में से हम जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो माइनस 3 के बाद लिख देंगे. तो माइनस 3 और इसके बाद आएगा 4, बाद में 10, 6, 13, 7, 5 और 27. अब 4 और माइनस 3 सॉर्टेड है तो ये हम नहीं देखेंगे, ये रिमेनिंग स्ट्रिंग देखेंगे. अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 5. तो 4 के बाद 5 सिलेक्ट करेंगे और रिमेनिंग स्ट्रिंग एज इट इज 37 और 27. अब ये सॉर्टेड है. अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6, तो 5 के बाद 6 और रिमेनिंग स्ट्रिंग एज इट इज. अब इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट 7, तो 7 सिलेक्ट करेंगे और वो 6 के बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग एज इट इज. As you can see, this is a sorted list. तो हमें sorted list मिल गई है using selection sort. Selection sort में सिर्फ smallest element select करना है हर pass में. ये passes हो गए, sorry ये रह गए, ये हमारे passes है. और हर एक pass में हमें सिर्फ एक smallest element pick करना है और remaining string as it is लिखना है. और ये हो गया sorted और ये remaining string.